अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं लाहौरी ड्राइव। तो आज अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए प्यारी सी बाइक लेके आए हैं। ये देखें क्या खूबसूरत शाहकार है। ये हमने 70 ओल्ड मॉडल को कन्वर्ट किया है कैफे रेसर में। तो आप दोस्तों को इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल मिलेंगी कि ये कितने दिनों में रेडी हुई है, इस पर हमने कौन सा मटीरियल लगाया है और कितने में ये तैयार हुई है। तो वीडियो के साथ बने रहें, फहद भाई इसकी मुकम्मल डिटेल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो फहद भाई क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत ही करम है। फहद भाई दोस्तों को दिखाइए बाइक, आप इसकी मुकम्मल डिटेल दें। जी सर, सबसे पहले कैफे रेसर तैयार की है और ये भी वही बात है कि ये बाइक बिल्कुल हमारे पास जो एक घर में भाई की बाइक खड़ी हुई थी और ये बिल्कुल साल डेढ़ साल से खड़ी रही है बाइक। ठीक है, और उनको हमारी वीडियो देख के हमसे तैयार करवाने का शौक हुआ तो हमारे पास भी अपनी ये बाइक लेकर आ गए। उनके अबू तैयार करवाने लगे थे पार्ट्स में। ठीक है, जैनमन। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, आजकल कैफे रेसर का आपको पता दौर चल रहा है तो हम भी कैफे रेसर ही तैयार करवाएं। ठीक है, तो वक्त जाया किए बगैर दोस्तों को मुकम्मल डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मीटर पे। जी सर, सबसे पहले मीटर पे आते हैं। खूबसूरत कैफे रेसर का ये देखें, डिजिटल में है ये। ये देखें सर, हाँ जी डिजिटल मीटर है ये, इसके डिस्प्ले चेंज होते हैं। ठीक है, कलर इसके चेंज हो सकते जी हैं सर, ये देखिए। ठीक है, ग्रीन आ गया, शायद आप दोस्तों को ये ब्लू नजर आएगा, नजर नहीं आएगा मगर इसके कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है ये हमारे दोस्तों के लिए। इसके अलावा मीटर की अगर अंदर बात कीजिए, इसमें आरपीएम आता है, स्पीड आता है, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह आती है अगर आपकी टैंकी में लगी होगी। बाकी बड़ा कमाल का क्लस्टर है। ठीक है, डिजिटल रात के टाइम ग्लूम करता है। ओके हो गया। और ये खूबसूरत सी हांडी, ये हांडी कड़ा जो है ये प्रॉपर चाइना। ठीक है, हार्ले डेविडसन जो चीज आती है ना, जो लुक आती है वो ये हांडी कड़े से आती है। ओके, ठीक है, अक्सर का आपने प्लास्टिक के लगे देखे होंगे, हमने इसमें जेन्युइन हांडी कड़ा इस्तेमाल किया है, बोस की बीम डाली है। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसका डिस्प्ले वगैरह दिखा देता हूँ। ये व्हाइट कलर में ऑप्शन, ये व्हाइट कलर में ऑप्शन आ गया और ये येलो कलर में आ गया। अभी जरा आपको पता, धूप में वीडियो बना रहे हैं तो उसकी थ्रो हमें नजर नहीं आएगी। सही हो गया। ठीक है, 7 इंच का पैनल इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आगे आ जाए इसके इंडिकेटर्स पे, तो प्लास्टिक के रोटेट वाले इंडिकेटर डाले गए हैं, इसको जैसे मर्जी मरोड़ लो इसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर लाइट पतली डाली गई है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप अगर आप ऊपर आ जाए तो इसमें सबसे पहले फ्रंट एरिया हम कवर करेंगे, उसके साथ ये मिनी ड्राइविंग लाइट्स आ जाती हैं दो। जी सर, सी और ये मिनी ड्राइव लाइट आ जाती है, ये देखें। ठीक है, येलो व्हाइट के ऑप्शन के साथ और फ्लैशर भी है इसमें। ये मड़गाड़ जो है चाइना का लोकल है। जी सर, ये इस दफा इसमें बड़ा मड़गाड़ दिया गया है। ठीक है, ठीक है, और साथ आप टायर देख सकते हैं वही मोटी गुटी वाला टायर जो हमारी दुकान पे बिल्कुल फेमस है। सही है, 397 नंबर टायर डाला गया। लोग कहते हैं कि ये 70 में नहीं डलता। टायर के बाद अगर आ जाए तो इसके पेंट की तरफ आ जाए तो काफी टॉप क्लास किस्म का पेंट किया गया है। इसकी हब वगैरह, इसके शॉक्स वगैरह देखें, फिर ऊपर आ जाए तो शॉक बूट डाले गए हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, और फिर इस तरफ हम आ जाए इंजन की तरफ। ठीक है, इंजन पे इसका भट्टी का पेंट डाला गया है। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं तो इसकी काफी कमाल की शाइनिंग नजर आ रही है। सही है, मैट में स्प्रे है ये। ठीक है, मैट में स्प्रे आ गया। फिर उसके बाद इसके टैंकी टापा की तरफ आ जाते हैं। टैंकी टापे इसमें बैंड वाले इस्तेमाल किए गए हैं, साथ अंडा टापा लगाया गया। ठीक है, ठीक है, और उसके अलावा सीट फिर आ जाती है कैफे रेसर की। सीट खूबसूरत, सीट दो बंदों के लिए कैफे रेसर की, ज्यादातर आपको पता है फिर दो बंदे बैठते हैं, एक पैसेंजर होता है और एक फिर आगे ड्राइवर बैठा होता है, राइडर बैठा होता है। उसके बाद ग्रिप्स जो है ये चेंज हुई है। जी सर, इस दफा ग्रिप्स में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, वो टैंकी टापों के साथ मैच की गई है। जाहिर सी बात है थाई ग्रिप इसको कहते हैं, बड़ी कमाल की ग्रिप है, इसमें आपको सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है, आपका हाथ भी स्लिप नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर पैटर्न ऐसे बने हुए हैं कि वो आपके हाथ को यहाँ पे ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी असम्बली नहीं डाली गई है इसके अंदर, बिल्कुल इस बाइक की तबाह असम्बली थी। ठीक है, मतलब कि ये बाइक आधी से ज़्यादा तबाह ही थी, तो इसको हमने इसकी ओरिजिनल हालत में ले गया है। ये मिनी ड्राइव के लिए बटन है। ठीक है, बाकी राइजोमा का इसमें हैंडल डाला गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी अगर आप आएँ तो इसके अंदर फ्रंट फुटरस, बैक फुटरस और सलेंसर दोबारा से ऐड किए गए हैं। ठीक है, बैक फुटर्स डाला गया है, सिलेंसर डाला गया है, सिलेंसर इसमें वही जो चाइना स्टाइल हम डालते हैं जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है। साउंड तो सुनाए दोस्तों। जी सर, इसको इसका साउंड भी हम अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं। बेस खूबसूरत साउंड, खूबसूरत बेस वाला साउंड है इसका। अच्छा, आपको कोई ओवर वगैरह नहीं लगेगा। आप बैक लाइट आ गई, बैक इंडिकेटर आ गए,
फिर इसके बाद इसमें बैकलाइट आ जाती है, बैकलाइट वही ग्रिल वाली लगाई गई है क्योंकि सिग्नेचर कैफे रेसर की बैकलाइट है, सबसे ज्यादा खूबसूरत यही लगती है। ठीक है। उसके अलावा फिर आप देख रहे हैं कि टायर की लुक कितनी कमाल की आ रही है। ये मेन बाइक की जो लुक क्रिएट होती है वो टायरों से होती है, टैंकी टापो से होती है, कैफे रेसर की खास, कैफे रेसर की खास लुक। ठीक है। इशारे वही यूज किए गए हैं, बैक फुटर्स पे आप आ जाए, ब्लैक कलर का बैक फुटर्स डाला गया है, उसके अलावा हाफ गियर लीवर डाला गया है ताकि आप वही हाई बाइक स्टाइल डालें और निकाल सकें। ठीक हो गया। ठीक है। मरगार्ड सेट डालें, मरगार्ड सेट इसमें डाला गया है मेटल का। जी फैसल भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बाइक है और माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत बाइक लग रही है। इसका है। मैं बिफोर वाला आपको क्लिप भी बता दूंगा, वो भी आप देखिएगा, अभी स्क्रीन पर चल रहा होगा। ठीक है जी फैसल भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बाइक काफ़ी खूबसूरत तैयार हुई हुई है, किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रह रही इसमें। ठीक है। और नहायत ही कमाल के बजट में तैयार हुई हुई है। ठीक है। आपने देखा होगा आजकल 50, 60, 70 काफ़ी बाइकें तैयार हो रही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बाइक हमने 50 के अंदर ही तैयार की है। ठीक है। ठीक है। 50 तक रेडी होगी ये बाइक। ये बाइक 45,000 रुपये में रेडी हुई हुई है सारी, ओवरऑल विद लेबर विद पेंट, विद लेबर विद पेंट और विद एवरीथिंग जो आप अपने सामने लगा हुआ इस बाइक में देख रहे हैं। बाइक जो है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन में कम्प्लीट हुई है क्योंकि इंजन जाता है भट्टी पर, इंजन सारा भट्टी पर पेंट होता है, इस वजह से टाइम लगता है। बाकी तो आपको पता है बाइक अगर हमारे पास कस्टमर अपनी कोई पसंद की फरमाइश ना करे, वैसे तो सारा कुछ ही हमारे पास होता है इस बाइक का। ठीक है। ठीक है। अगर उसने कोई कस्टम अपनी तरह से तैयार नहीं कराना तो ये बाइक 1 दिन में 1.5 दिन में तैयार हो जाती है सारी। ठीक हो गया। और इसको रेडी करने के लिए आप सबसे कैसे कॉन्टैक्ट करें? जी इस बाइक का हमारे व्यूवर्स को अगर सामान भी चाहिए तो सामान आपके शहर तक पहुँच जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी सारा सामान है। ठीक है। और अगर आप हमारी दुकान पे आके तैयार करवाना चाहते हैं तो आप हमारी दुकान पे भी तैयार करवा सकते हैं। शॉप का एड्रेस बता दें। शॉप का एड्रेस है कयूम ब्रदर्स, मक्का मार्केट, मकलोर रोड, लाहौर। ठीक है। स्टेशन से आप आएंगे तो तीसरे यू टर्न पे लेफ्ट साइड पे मार्केट आएगी, और अगर आप लक्ष्मी चौक से आएंगे तो पहला यू टर्न जो आता है नॉर्मल रोड वाला, उसके राइट साइड पर मार्केट आएगी। ठीक हो गया। तो आपकी इजी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मौजूद है फात भाई का, आप इजीली वो देख के फात भाई के पास पहुँच सकते हैं, कयूम ब्रदर के पास। और तो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ असल भाई।